दोस्तों गुड इवनिंग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं दोस्तों इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल फॉर ज्योग्राफी जिसका नाम है आपका ज्योग्राफी सो आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं यानी कि सुमित राठी आपका अपना अध्यापक आपका अपना टीचर आपका दोस्त आपका गुरु सो आइए दोस्तों फटाफट से जुड़ जाइए लाइव आ जाइए दोस्तों जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को लाइक कर दीजिए सेशन को दोस्तों और मैक्सिमम बच्चों तक दोस्तों हमें इसको पहुंचाना है ठीक है मैक्सिमम बच्चों तक दोस्तों हम इसको है फटाफट एक बार प्रणाम भाई प्रणाम खतरी साहब प्रणाम ज्ञाना प्रणाम प्रणाम सभी को यार गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को ठीक है गुड इवनिंग नहीं गुड नाइट हो रखा है वैसे तो बट मैंने आपको जगाया हुआ है चेतना जूली काजल अनु इंदु प्रजक्ता वंदना अविनाश आकांक्षा सौम्या असीम इंदु निधि शाइन स्टार श्वेता प्रतीक्षा आ जाइए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों ठीक है फटाफट से ज्वाइन कर लो आप भी परेशान हो गए होंगे दोस्तों आप कह रहे होंगे कि सर अभी ये चैनल नया आ गया तो सारे दिन लगे ही रहते हैं है ना तीन घंटे से हमें लगाया हुआ है सो so, दोस्तों देखो पर्पज यही है चैनल का कि मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके साथ में काम किया जाए मैक्सिमम आपके साथ में एंगेजमेंट जो है वो हमारी रखी जाए मैक्सिमम जो है आप लोगों को कंटेंट डिलीवर किया जाए मैक्सिमम जो है आपकी प्रिपरेशन जो है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश की जाए और मैं इस चीज में तत्पर हूं दोस्तों और आप भी पूरी तरीके से तत्पर है मुझे पता है दोस्तों जितनी भी अपनी क्लास होगी अभी से दोस्तों वो सारी की सारी क्लासेस कहां पर होंगी दोस्तों दिस ऑल क्लासेस विल बी ऑन आपका जोग्राफी वन ओ वन एंड साथ साथ में अगर मैं बात करूं आपका तो दूसरा जो चैनल है हमारा दैट इज मैप वन ओ वन सो जोग्राफी वन ओ वन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना है फटाफट से सभी बच्चों को और मैप वन ओ वन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो मैप वन ओ वन पे हम करेंगे मैप रिलेटेड वर्क जितना भी है आपका और जोग्राफी वन ओ वन पे हम बात करेंगे जोग्राफी रिलेटेड कॉन्सेप्ट जितने भी जोग्राफी से संबंधित कॉन्सेप्ट हैं जो जरूरी हैं हमारे लिए प्रलिम्स के अंदर ठीक है या जोग्राफी के अंदर आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे अभी मेरा फोकस है हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक पर क्यों चैनल नया है बहुत सारे बच्चों को अभी नहीं पता कि अपनी क्लासेस कहां हो रही है सो उनको सही तौर पर बताने के लिए कि भाई अब हमने क्लास यहाँ स्टार्ट कर दी है तो मैं एक प्रॉपर टाइम दे रहा हूं उनको ताकि वो बच्चे आ सके यहां पर ज्वाइन कर सके और हमारी क्लासेस में जुड़ सकें आगे बढ़ सके सो दोस्तों आपकी सारी क्लास जो है अभी यहां पर होगी है ना आप मेरे साथ इस चैनल पर जुड़ जाइए चैनल को लाइक कर लीजिए चैनल को शेयर कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब

आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आज के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या जो है यहाँ पर नहीं होगी मैं आपको इस बात की पूरी गारंटी दे रहा हूं कि यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम आपको कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी मैं ये चीज आपको अश्योर कर रहा हूं है ना इतने आसान तरीके से हम पढ़ेंगे तो बात आती है दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों विंड पढ़ रहे हैं जब विंड की बात आती है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए विंड कितने प्रकार का होता है विंड सर्कुलेशन कितने प्रकार का होता है सर आप कई बार बता चुके हो विंड सर्कुलेशन जो है विंड सर्कुलेशन सिस्टम को हम तीन भागों में बांटते हैं पहला होता है सर कैट आपका ट्रेड विंड परमानेंट विंड दूसरा होता है सर आपका जिसको हम बोलते हैं आपका सेकेंडरी सर्कुलेशन और तीसरा होता है दोस्तों आपका टर्सरी सर्कुलेशन तीनों के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों से बातचीत कर चुका हूं ठीक है प्राइमरी हो सेकेंडरी हो या सरीयो तीनों के बारे में हम बातचीत आपसे कर चुके हैं सो उसमें कोई दिक्कत है नहीं प्राइमरी विंड जिनको हम प्लेनेटरी विंड बोलते हैं ट्रेड विंड हो गया उसके अंदर में वेस्टर्ली ईस्टर्ली सेकेंडरी विंड सेकेंडरी सर्कुलेशन के अंदर हो गया आपका साइक्लोन एंटीसाइक्लोन और थर्ड टर्शरी में होता है दोस्तों लोकल विंड लोकल विंड स्थानीय पवनों में माउंटेन ब्रीज सी ब्रीज उसके बाद वैली ब्रिज उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपका तो जो आपका ये होते हैं सारी चीजें और वहीं पे एक टॉपिक होता है दोस्तों कैटाबैटिक और एनाबैटिक विंड ठीक है सो so, कैटाबैटिक और एनाबैटिक विंड दोनों हम देखते हैं और यहां पर मेरे पास तीन विंड है इंपॉर्टेंट जो है आपकी फोन चिनूक एंड जोंडा तीनों के बारे में मैं आपसे क्या करने वाला हूं चर्चा तो उससे पहले दोस्तों ये हमारा नया बैच है जो अभी स्टार्ट हो गया है आप ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ दो ही दिन हुए हैं बैच को दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो और वैसे भी आपको पता है दोस्तों अन फीस बढ़ने वाली है तीस तारीख है कल ठीक है अभी हो जाएगी तीस तारीख और तीस तारीख के बाद फ्रॉम द फर्स्ट ऑनवर्ड्स जो आपका इनअकेडमी का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन उसका फीस जो है वो हाइक होने वाला है सो so, आपके पास दिन है एक दिन का भी समय है कल कल का समय है दोस्तों मैं चाहता हूं चौबीस घंटे हैं आपके पास जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है को जल्दी से जाए और एनअकेडमी को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज इट्स द टाइम इट्स द नीड है ना आप दो की तैयारी कर रहे हो और बाद में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो बहुत ही मेरे लिए चिंता का विषय होगा मैं नहीं चाहते मेरे किसी भी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा पे करना पड़े जो बच्चे चाहते हैं मेरे से जुड़ना दोस्तों जिनके पास ऑलरेडी है जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो जाएंगे यहाँ पे एनरोल कर लेंगे जिनके पास नहीं है वो मेरा कोड यूज करेंगे सुमिट टेन और जाके यहाँ पर आप क्या कर लोगे दोस्तों सब्सक्राइब कर लोगे दोस्तों ठीक है और अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन को आप ले लोगे कोड याद रहे दोस्तों कोड क्या है सुमिट टेन बिकॉज आप जानते हैं सुमिट टेन खास है बाकी आप समझदार हो टॉपिक जो है डॉक्टर विंड नहीं है टॉपिक है कैटाबैटिक और एनाबैटिक विंड बेसिकली मैं यहां पर बात करूंगा आपका किस विंड की है? आपका कैटाबैटिक विंड सर ये टॉपिक कब तक इंपॉर्टेंट है सर जब तक ज्योग्राफी रहेगी तब तक ये इंपॉर्टेंट है ठीक है जब तक ज्योग्राफी रहेगी ठीक है अगर आपका अगला जन्म भी होता है इस मनुष्य रूपी जीवन में तो मैं आपको दोबारा भी जब पढ़ाऊंगा ना तो यही पढ़ाऊंगा या तो आप इसको पढ़ लेना या जो मैं नया पढ़ाऊं वो पढ़ लेना बात सेम ही रहेगी तो कैटाबैटिक विंड एंड एनाबैटिक विंड बोथ आर द सेम थिंग यूपीएससी सीएससी के लिए पढ़ रहे हैं <coughs> बट ऐसा नहीं है यूपीएससी जो भी एग्जाम करता है जैसे आपका असिस्टेंट कमांडेंट सी अच्छा एग्जाम होता है दोस्तों आप एनडीए के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो भी और आप आप अगर सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी ठीक है और अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों स्टेट सर्विसेज स्टेट जो आपकी पब्लिक सर्विसेज एग्जाम होते हैं अगर स्टेट पीसीएस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल और ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है कोड बस याद रखिएगा दोस्तों कोड क्या होता है मेरा सुमिट टेन बड़ी अनाउंसमेंट दो चैनल मैंने लॉन्च किए थे जोग्रफी वन वन एस

सेकेंडरी सर्कुलेशन में दो होता है आपका मैंने बताया आपको पहला होता है साइक्लोन और दूसरा क्या होता है दोस्तों एंटी साइक्लोन ठीक है प्राइमरी सर्कुलेशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया तीन चीजें होती हैं पहला होता है दोस्तों विंड ठीक है विंड के अलावा दूसरी अगर मैं बात करता हूं आपका तो वो क्या होता है दोस्तों दैट इज वेस्टर्ली और फिर होता है आपका दोस्तों ईस्टर्ली परवा इसको बोलते हैं पछवा इसको बोलते हैं परवा और ट्रेड विंड जो होता है इसको हम बोलते हैं दोस्तों वाणिज्य पवने ठीक है ये हो गया आपने पास क्या ये हो गया अपने पास लोकल विंड के बारे में ठीक है सॉरी परमानेंट विंड जो इनको प्लेनेटरी विंड कहते हैं साइक्लोन मतलब चक्रवात ठीक है और इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों प्रति चक्रवात ये हो गया इसके बाद सर्कुलेशन मैं यहां पर बात करूं तीन विंड है मेरे पास सर्कुलेशन में और वो कौन कौन सी दोस्तों टर्सरी के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पढ़ चुके हैं वैसे हम बट अभी मैं जो देखूंगा वो क्या मैं देखूंगा आपका कैटाबैटिक और दूसरा जब बात चली रही है तो मैं आपको एक बोनस में एनाबैटिक भी बता दूंगा दोनों विंड जो है इनके बारे में बताऊंगा बाकी आप माउंटेन ब्रिज और सी ब्रिज और लैंड ब्रिज और वैली ब्रिज ये सब मेरे साथ ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो ठीक है सो बात करते हैं दोस्तों आज कैटाबेटिक विंड की कैटाबेटिक विंड क्या होती है ठीक है <coughs> ध्यान से देखिएगा दिस इज कैटाबेटिक विंड कैटाबेटिक विंड क्या ये पर्वत दिख रहा है आपको ये पर्वत से जब नीचे उतरती है ना इस प्रकार से तो इस विंड का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है तो बस उसी को हम क्या बोलते हैं कैटाबेटिक विंड देखो यहां पर था तापमान माइनस पच्चीस डिग्री सेंटीग्रेड और यहां जब नीचे आते आते इसका तापमान बढ़ जाता है है तापमान बढ़ गया अब ये क्यों होता है दोस्तों याद करो मैंने आपको क्या बताया था थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जो हमारा तापमान होता है दैट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑल्टीट्यूड याद करो थोड़ा सा पीछे जाओ मैंने फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर के अंदर बताया था ठीक है अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं दोस्तों कल जो है कुछ वीडियो थी हमारी कुछ प्रीवियस वीडियो थी उनको मैं यहां पे अपलोड करा दूंगा उनको मैं अपडेट करवा दूंगा तो आपको ना प्रीवियस वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है आप इजीली उन वीडियो को जाके एक्सेस कर सकते हो और टॉपिक को रिलेट कर सकते हो टॉपिक में आपस में एक कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हो जो सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण है तापमान जो है हमेशा हिंदी भाषा में बोले हम तो तापमान हमेशा ही किसके इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है मैंने आपको बताया था सासू और बहू का रिश्ता होता है एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो आपको याद है या नहीं है ठीक है तापमान जो है वो किसके इनवर्स प्रोपोर्शन होता है दोस्तों आपका ऊंचाई का टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऊंचाई तापमान और ऊंचाई जो है ये आपस में दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन है कहने का मतलब है अगर मैं तापमान को अगर बढ़ाना चाहता हूं अगर मैं ऊंचाई को बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस बात है तापमान क्या होगा आपका डिक्रीज होगा ठीक है इनका रिलेशन कुछ ऐसा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा कब बढ़ेगा टेम्परेचर जब आपका ऑल्टीट्यूड क्या होगा दोस्तों घटेगा और अगर मैं कहता हूं आपका कि दोस्तों मेरे पास जो ऑल्टीट्यूड है वो बढ़ रहा है सो दैट मीनस आपका टेम्परेचर जो है वो क्या होगा दोस्तों डिक्रीज होगा ये याद रखना इनवर्स रिलेशन का मतलब ये कंडीशन होती है ठीक है अब दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैं थोड़ी सी आपको पीछे और लेके जाऊंगा मैंने आपको रेनफॉल का समझाया था बारिश का समझाया था वर्षा ठीक है वर्षा कैसे होती है पहले मैंने बताया था बारिश के लिए जरूरी होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू तो कितना हंड्रेड परसेंट है ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है टोटल जो वास्तव में प्रेजेंट होता है वो एक्चुअल में कितना वेपर प्रेजेंट है याद करना पड़ेगा पीछे के वीडियो देखने पड़ेंगे एक्चुअल अपॉन में क्या होता है दोस्तों टोटल कैपेसिटी मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में बताया था मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड किस में आता है दोस्तों परसेंटेज बात हमारी हुई थी कि सर जब भी ये हंड्रेड परसेंट हो जाएगा ठीक है वेन एवर दिस रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू हंड्रेड परसेंट दोस्तों ठीक है आपका रेनफॉल को कोई नहीं रोक सकता भगवान जो है वर्षा करते इंद्रदेव कब प्रसन्न होते हैं जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो हंड्रेड प्रतिशत कब होती है जब आपका एक्चुअल बराबर हो किसके आपका कैपेसिटी के ये क्या लिख रहा हूं सर मैं देखो दोस्तों हमारी हवा की एक क्षमता होती है नमी धारण करने की क्षमता होती है और उसमें एक्चुअली में भी कुछ प्रेजेंट होता है जैसे अभी आपके चारों तरफ जो हवा दिख रही है नमी तो उसमें है वास्तविकता में नमी तो प्रेजेंट है उसमें लेकिन उसकी वास्तविक क्षमता तक वो शायद अभी नहीं है इसीलिए बारिश अभी नहीं हो रही <laughs> जब भी ऐसा हो जाता है एक्चुअल इज इक्वल टू कैपेसिटी तो रेनफॉल हो जाता है और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों दिस कंडीशन इज नॉन एज सेचुरेशन इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों आपका संतृप्त होना ठीक है दिस इज नॉन एज सैचुरेशन दिस कंडीशन इज नॉन इज सेचुरेशन सो मैंने क्या बताया था हमें यहां से पता चल रहा है रिलेटिव इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपका दोस्तों कैपेसिटी, ठीक है याद रखना अब यहां से मैंने बताया था आपको कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वी ऑल्सो डिस्कस दैट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू क्या ऑल्टीट्यूड अगर आपको याद हो तो मैंने यहां पर एक क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ है कि दोस्तों माउंट एवरेस्ट है मेरे पास हिमालय है ना ठीक है हिमालय की पीक है यहां पर भी आपकी सनलाइट पड़ती है ठीक है और एक सरफेस है यहां पर दो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रख दिए मैंने एक ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट है यहां पर मेरे पास बी ठीक है दोनों पर सनलाइट पड़ रही है मैंने आपसे पूछा था कि टेम्परेचर बताओ ए का और टेम्परेचर ऑफ बी में क्या रिलेशन होगी आपको बताना था ये माउंट एवरेस्ट है जिसकी हाइट 8,850 मीटर जो है वो सूर्य के पास है धरातल जो है ये पास है तो तापमान किसका ज्यादा होना चाहिए ए का ज्यादा होना चाहिए बट क्या ऐसा होता है क्या ऐसा होता है सर नहीं होता ऐसा नहीं होता तो होता क्या है आप ही ने मुझे बताया था सर कि टेम्परेचर जो है ऑफ बी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ ए ठीक है ये होता है तो ये बात बिल्कुल एक्यूरेट है ठीक है और ये बात जो है आपकी बिल्कुल क्या है गलत है और मुझे बताने वाला इस बात के बारे में कौन था आप ही थे आप ही ने मुझे इस बात से अवगत कराया था कि सर कि ये जो बात है ये गलत है और ये बात क्या है सही है आपको याद हो तो हमने बात किया था तो हमने कंक्लूड किया था कि हमने कहा था सर ऑल्टीट्यूड और टेम्परेचर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इच अदर याद है आपको होना चाहिए याद हमने बात किया था सर ना वी कैन से दैट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑल्टीट्यूड जैसे जैसे मैं हाइट पर जाऊंगा तापमान क्या होगा दोस्तों घटेगा ये बात हमने कही थी और वो किस दर से घटता है उसको हम बोलते हैं लैप्स रेट लैप्स की दर

ऊंचाई से नीचाई की तरफ आएगी दोस्तों तो उनको क्या बोलते हैं तो प्रेशर क्या होगा टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा दोबारा बता रहा हूं एक मेरे पास कैटाबैटिक विंड है एक मेरे पास एनाबैटिक विंड है मैंने आपको क्या बताया किस हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ठीक है अगर याद हो तो आपको रिकॉल करना आपको आसान होगा ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था क्या बोलते हैं इस रेनफॉल को? पर्वतीय वर्षा। बताया था मैंने आपको क्या होती है पर्वतीय वर्षा याद करो मैंने आपको बताया था ये पर्वत है माउंटेन है ठीक है तो इस माउंटेन पे क्या होता है इस साइड से आपका विंड जो होती है वो ऊपर की ओर राइज करती है ऐसे जाती है ना? तो जब ऊपर जाएगी ठीक है तो क्या होगा लगातार जब विंड ऊपर जाती है ठीक है जैसे जैसे ऊपर जा रहा है हाइट क्या हो रही है दोस्तों इंक्रीज हो रही है ठीक है यहां पर मैं कहूंगा ऑल्टीट्यूड आपका क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है और ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों आपका डिक्रीज तापमान आपका घटता है और इसी वजह से ये हवा ऊपर जाती है यहां पर जाके आपका क्लाउड फॉर्म करती है यहां पर ठीक है यहां क्लाउड बनता है और क्लाउड बनने के बाद झमाझम ज़म प्रोग्राम चल जाता है किसका रेनफॉल का यहां पर बारिश हो जाती है ठीक है इस हिस्से को अपने अपन ने पहले भी बताया था क्या बोलते हैं इस हिस्से को बोलते हैं विंडवर्ड स्लोप ठीक है और विंडवर्ड स्लोप पर बारिश होती है ज्यादा ठीक अब अगली बात करते हैं दूसरे साइड इधर तो यह हुआ था कि अल्टीट्यूड बढ़ा था तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था ना यहां पर क्या होगा जब यही विंड दूसरी तरफ से आगे बारिश करके अभी नीचे उतरेगी तो क्या होगा बताओ आप मुझे सेम है आपके सामने कोई चुनौती नहीं है हाइट बढ़ रही थी बट यहां पर ऑल्टीट्यूड क्या होगा डिक्रीज तो टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों इंक्रीज So, जब भी ऐसी कंडीशन होती है <coughs> तो इधर से जब इधर उतरती है तो तापमान आपका बढ़ने लगता है ऐसे विंड को जब तापमान बढ़े तो हम क्या बोलते हैं दोस्तों विंड ठीक है और जब भी ऐसा हो कि ऑल्टीट्यूड बढ़े और टेम्परेचर घटे तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों दिस इज एना विंड कौन सी बारिश कौनसी से बारिश होगी दोस्तों आपका अगर मैं बात करूं आपका इन दिस केस कैटाबैटिक विंड जो है वो ड्राई होंगी और वो तापमान को बेसिकली क्या करेंगी बढ़ाएंगी लेकिन जो एनाबैटिक विंड होंगी दोस्तों वो क्या करेंगी आपका दोस्तों दे विल ब्रिंग द रेनफॉल ये बात क्लियर है आपको ये बात क्लियर है सभी बच्चों को ठीक है कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो दोस्तों कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो जल्दी से मुझे बताओ कि ये बात क्लियर है या नहीं है एक सेकेंड दो मुझे <coughs> बैटरी भी लैपटॉप की डाउन हो गई है क्योंकि बहुत ज्यादा हमने पढ़ लिया है दोस्तों बहुत ज्यादा पढ़ लिया हमने बैटरी भी हमारी डाउन हो चुकी है इसकी <coughs> ठीक है तो ये हमने देख लिया ओके क्लियर है सभी को चलो तो ये हमने देख लिया एक तरफ कैटाबैटिक विंड एक तरफ एनाबेटिक विंड तो इसी प्रकार से यहां पर भी हो रहा है दोस्तों देखो जब भी विंड नीचे की तरफ उतरती है ठीक है तो उतरती है तो क्या होता है दोस्तों इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है यहां पर विंड जो है नीचे की तरफ आ रही है दोस्तों सो यहां पर इसका टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों इंक्रीज होता है जैसा मैंने यहां पर बताया था ये जो साइड होती है हमारी ठीक है उधर अगर हम बात करें तो इसको बोलते थे विंडवर्ड साइड इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों दिस साइड इज नथिंग बट नॉन एज द लीवर्ड साइड याद रखना इस हिस्से को हम हमेशा बोलते हैं क्या लीवर्ड साइड और लीवर्ड साइड में ऑलवेज लो या तो लो होता है या नो रेनफॉल ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो या तो लो रेनफॉल होगा या नो रेनफॉल होगा दिस इज ओरोग्राफिक रेनफॉल ये मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरोग्राफिक रेनफॉल मैं आपका पर्वतीय वर्षा की बात कर रहा था तो उस केस में था तो इधर सेम हो रहा है तापमान बढ़ रहा है तो इधर होगी कौन सी विंड आपकी दोस्तों दीज विंड आर द कैटाबेटिक विंड और दीज विंड जो है दीज आर नोन एज द एनाबेटिक देखो हो रही है ना सरसे ऊपर चढ़ रही है ऊपर चढ़ के बारिश क्यूमलो क्लाउड बनाता है और फिर बारिश कर देती है सो so, दीज आर नोन एज द एनाबेटिक विंड <coughs> अब कैटाबेटिक विंड तो हमने पढ़ लिया साथ साथ हमने एनाबेटिक विंड भी देख लिया मैं कह रहा हूं क्या दोनों की कोई एप्लीकेशन हो सकती है क्या एक से तो चलो ठीक है एक से तो ठीक है रेनफॉल हो जाएगा ठीक है एनाबैटिक से रेनफॉल हो जाएगा इससे तो बारिश होती है एनाबैटिक से तो क्या होती है बारिश तो ये तो काम की चीज है अब मुझे बताओ क्या कैटाबैटिक का भी कहीं यूज है क्या आपको क्या लगता है क्या कहीं पर कैटाबैटिक विंड का भी इस्तेमाल हो सकता है क्या कैटाबैटिक विंड भी हमारे लिए फायदेमंद है चलो बात कर लेते हैं मेरे साथ हां एनाबैटिक विंड जो है ये भी हमारे लिए फायदेमंद है कहां पर कैटाबैटिक विंड सो कैटाबैटिक विंड का फायदा कहां होता है ध्यान से देखना कैटाबैटिक विंड का फायदा कहां पर होता है दोस्तों मेरे पास ये पृथ्वी है मैं आपको कई बार बता चुका हूं अभी फिर से बताया ठीक है और फिर से अभी फिर से भी बता दूंगा मैं पचास बार बताने को रेडी हूं मुझे कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है आप पूछोगे मैं बार बार बताऊंगा आप नहीं भी पूछोगे तो भी बार बार बताऊंगा मैं दिस इज जीरो डिग्री है ना ये है मेरे पास ट्वेंटी थ्री एंड हाफ नॉर्थ ट्वेंटी थ्री एंड हाफ साउथ दिस इज द जोन जिसको हम बोलते हैं हाई इंसोलेशन जोन ठीक है इसके ऊपर जो अब मैं अगर ऊपर चलूं आपका तो ये हो गया जो सिक्सटी सिक्स एंड हाफ नॉर्थ नाइन्टी डिग्री नॉर्थ और ऐसे ही यहां पर भी सिक्सटी सिक्स एंड हाफ साउथ 90. Degree. इसके नीचे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर लो इंसोलेशन होता है है ना इंसुलेशन का मतलब आपतन बताया था सेम यहां पर भी इसके ऊपर जाओगे तो लो इंसुलेशन इंसुलेशन मतलब आपतन कम होता है ठीक है तो ऊपर जाओगे कम इस एरिया में तापमान क्या होता है ज्यादा ठीक है अगर मैं आपसे बोलूं सो इन दिस एरिया वी हैव हाई अमाउंट ऑफ यहां पर टेम्परेचर क्या होता है हाई होता है ठीक है लेकिन लो जब यहां जाते हैं तो यहां पर आपका टेम्परेचर क्या होता है लो तो टेम्परेचर लो कहां मिलेगा टेम्परेचर लो दो जगह पर मिलता है ठीक है लो टेम्परेचर इलाका पहला तो आपने देखा ये लो ऑल्टीट्यूड है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया पहला है आपका हाई ऑल्टीट्यूड एरिया और दूसरा होता है आपका हाई ऑल्टीट्यूड और हाई लैटीट्यूड हाई लैटिट्यूड अधिक ऊंचाई और अधिक अक्षांश वाले जो इलाके हैं ऊपरी अक्षांश वाले इलाके यहां पर तापमान आपका क्या होता है अधिक होता है ठीक है समझ में आ रही बात आपको यहां पर तापमान क्या होता है दोस्तों अधिक होता है तो मैं उसी के बारे में यहां पर समझा रहा हूं आपको तापमान क्या होता है दोस्तों यहां पर अधिक होता है अब मेरे पास ऐसे स्थान हैं जैसे मैं आपको बताऊं मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्थान हैं सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका अमेरिका में ठीक है आई एम गिविंग यू द नॉर्थ अमेरिका ध्यान से देखना पूरा टॉपिक समझ में आएगा बहुत आराम से इजिली बच्चों का टॉपिक है ठीक है और कुछ भी नहीं है ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका दिस इज साउथ अमेरिका यहां पर माउंटेन है मेरे पास हियर क्या बोलते हैं इस माउंटेन रेंज को बताओ सभी बच्चों को पता है वैसे भी दिस माउंटेन रेंज इज नथिंग बट नॉन एज रॉकी चाचा याद है एंड हियर ऑल्सो देर इज वन माउंटेन रेंज विच इज नॉन एज एंडीज ठीक है यहां पर भी तो है और इस माउंटेन रेंज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों दिस इज नथिंग बट एंडीज अब है तो पर्वती अब पर्वत है इसका मतलब क्या है कुछ ऐसा है अब समझना मेरी बात को बहुत आसान है कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा अब है तो पर्वती तो पर्वत है तो ऐसा होगा माउंटेन है रॉकी मान लो और चाहीज मान लो अब पर्वत है तो पर्वत के साथ क्या होता है ध्यान दो इधर पर्वत पे यहां से क्या करती है विंड ऊपर जाती है देखो दिख रहा है दस डिग्री था ऊपर गई मॉइस्चर बादल बना बारिश हो गई यहां बारिश कर दी माइनस बारह डिग्री है ना जैसे ऊपर जा रहा है देखो यहां से ठीक है मॉइस्ट विंड थी जिसमें नमी थी हीट एडिड हुआ ठीक है तो ये बारिश कर दिया इसने हो गया खत्म अब जब ये नीचे आती है ऊपर तापमान जब ये नीचे आती है तो क्या होता है दोबारा वार्म और ड्राई हो जाती है दोबारा से विंड क्या होती है गर्म और शुष्क यही बात होगी आपकी कहां पर आपका जिसके बारे में मैं बता रहा हूं आपका इन दिस केस ध्यान से देखना यहां पर होगा क्या यहां से स्पेशली मैं इसका केस बता रहा हूं ठीक है किसका केस मैं बता रहा हूं वी आर टॉकिंग अबाउट दिस चिनूक यहां से हवा आपकी चलती है कुछ हवा चलती है यहां से ठीक है यहां से का मतलब क्या है आपका रॉकी पर्वत पर रॉकी पर्वत पर कुछ हवाएं हैं हमारे पास जो चलती हैं इधर से मतलब इधर में दिखाऊं तो इधर से ठीक है ऊपर चढ़ती हैं, इन हवाओं को ही हम क्या बोलते हैं अभी बताऊंगा। ऊपर इधर जाके बारिश होती है जो भी होता है नहीं होता ठीक है लेकिन जब ये दूसरी साइड आती हैं तो क्या होगा इधर जाती हैं तो टेम्परेचर इनका क्या होता है दोस्तों लो होता है डिक्रीज करता है ऊपर जाएगी टेम्परेचर घटेगा लेकिन जब ये नीचे उतरती हैं तो इनका टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों आपका इंक्रीज हो जाता है तो इधर तो है क्या कूल cool कंडीशन बट जब यही विंड आपका यहां दूसरी तरफ आती है इधर आती है तो यही हवाएं कैसी हो जाती हैं दोस्तों आपका warm. ठीक है? ये वार्म विंड हो जाती गर्म इधर क्या थी कूल cool. अब इसकी वजह से क्या होता है यहां पर ये आपका क्या है आपका एंडीज़ पर रॉकी पर्वत रॉकी के ठीक इधर अमेरिका के इस इलाके में कनाडा नॉर्थ अमेरिका यूएसए इस इलाके में तापमान बहुत कम होता है और यहां पर लगभग खेती भी नहीं होती इतना टेम्परेचर कम होता है यहां पे लेकिन जब ये विंड आती है तो पहाड़ के इस साइड तो तापमान बढ़ता है इस साइड में टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और यहां पर जमी हुई बर्फ जो है वो सोय जो आपकी आइस है वो क्या हो जाती है आपका मेल्ट बर्फ पिघल जाती है अब क्योंकि बर्फ पिघल जाती है तो बर्फ को खा गई इसीलिए इसको नाम दे दिया जाता है चिनूक ठीक है सो so, चिनूक में क्या हो रहा है दोस्तों चिनूक में यही होता है ये अगर मैं बात करूं आपका इन द नॉर्थ अमेरिका हियर वी हैव द नॉर्थ अमेरिका जस्ट मैंने अभी अभी बताया आपको सो नॉर्थ अमेरिका में जब ये हवा इधर से आएगी तो इधर तो, तो ये हवा गर्म होती है बट दूसरे साइड जब ये नीचे उतरती है इधर चढ़ते टाइम गर्म होती है बट उतरते टाइम ये हवा इधर इधर क्या हो जाती है वॉम वॉम हो जाती है और ड्राई जिसकी वजह से यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और टेम्परेचर जब यहां इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से इधर की जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है और यहां जो खेत है जो फील्ड्स हैं दे आर दे विल अवेलेबल फॉर द एग्रीकल्चरल एंड द पास्टोरल एक्टिविटी वो लोग अपनी गाय भैंस बकरियां भी चरा सकते हैं फिर इस इलाके के ऊपर इधर तो बर्फ जमी रहती है रॉकी पर ठीक है रॉकी चाचा पर सेम विद द एंडीज ऐसा ही किसके साथ होता है दोस्तों एंडीज के साथ होता है

सेकेंड चिनूक और थर्ड क्या है दोस्तों आपका जोंडा तो ये तीन हवाएं हैं जो चलती हैं सेम है ये है दिस ऑल थ्री आर द कैटाबेटिक कैटाबेटिक विंड विंड क्यों wind, क्यों बोल रहा हूं मैं आपका क्योंकि इनमें यही प्रभाव आता है कि जब ये इधर से चढ़ेगी सोचो इधर से जब ये ऊपर आएगी अगर मैं इन्हीं विंड की बात करूं ये तो ऊपर से नीचे आ रही है और सपोज जब ये इस प्रकार से नीचे से जब ये ऊपर आएंगी तो इनको हम क्या बोलेंगे इधर हम बोल रहे हैं इनको कैटाबेटिक इधर हम इनको बोल रहे हैं कैटाबैटिक जब इधर से चढ़ेंगी ना ऊपर तो इनको क्या बोल दिया जाता है एनाबैटिक ठीक है एनाबैटिक में टेम्परेचर घटेगा इधर टेम्परेचर बढ़ेगा कितने बच्चों को समझ में नहीं आया जल्दी से बताएंगे दोस्तों देखो अभी तक खत्री साहब सिर्फ नाम नाम सुना था हम लोगों ने बट अब जो है मैं पूरा आपको पढ़ा रहा हूं ठीक है कंप्लीट मैं आपको करा रहा हूं दोस्तों सो दिस इज लाइक ये बहुत बढ़िया चीज है अभी हम आपको बिल्कुल मैं आपको करा रहा हूं सो so आप देख सकते हो दोस्तों इस इलाके में किस प्रकार से ये जो हवा है आपका ना ये ये जब मैं देखूं आपका सो so जो विंड है ठीक है किस प्रकार से उसके प्रभाव है जब ऊपर जाएगी तापमान देखो कम था माइनस ट्वेंटी फाइव नीचे आते आते तापमान क्या हो गया दोस्तों आपका इंक्रीज हो गया ठीक है डन ओके सो ये हमने देखा कैटाबेटिक विंड कितनी हमारे पास कैटाबेटिक विंड यहां पर सर यहां तीन कैटाबेटिक विंड है फॉन फॉन कहां है दोस्तों अभी बताया मैंने आपका अल्प्स मतलब ये पाई जाती यूरोप में और बिल्कुल स्पेसिफिक कोई मेरे से पूछे तो ये चलती है स्विट्जरलैंड के अंदर चिनूक जो है ये यूएसए और साथ साथ में कनाडा जोंडा जो है वो एंडीज पर्वत आपका यानी कि साउथ अमेरिका ये नॉर्थ अमेरिका और ये आपका साउथ अमेरिका रिपोर्ट अगर ओके की है तो कमेंट बॉक्स में मुझे थम्सअप चाहिए सभी बच्चों से यार चलिए लगभग सभी बच्चों को समझ में आ गया बहुत अच्छा यार सो so, दोस्तों ये था हमारा बेसिकली कैटाबैटिक विंड के बारे में इधर से जाओगे तो तापमान कम रहेगा बारिश करेगा और इधर से आओगे तो गर्म होकर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर तापमान बढ़ जाएगा सो so, ये था कैटाबैटिक विंड सो दोस्तों ये था हमारा कैटाबैटिक विंड का टॉपिक ऑन द यूट्यूब जोग्रफी वन आप जोग्राफी वन मैप वन पे मेरे साथ बने रहिए साथ साथ मैं आपको बता दूँ दोस्तों आप मेरे साथ अन ऐप पर भी जुड़ सकते हैं लर्निंग ऐप पर ठीक है मेरे प्लस कोर्स यहां आते रहते हैं अभी वर्तमान में, में मेरा कोर्स कोर्स चल रहा है ऑफ द बॉयोडावर्सिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं आपका गोल रहेगा यूपीएससी सीएससी आप ज्वाइन करेंगे यहां पर ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन आपको कोड यूज करना है दोस्तों सुमित टेन सुमित टेन आप कोड यूज करेंगे यू विल गेट द टेन परसेंट इंस्टेंट डिस्काउंट और जब आप सुमित टेन कोड यूज करते हो दोस्तों तो यू कैन अवेलेबल ऑल द टॉप एजुकेटर ऑफ द दैडमी आप जुड़ेंगे मेरे साथ और एन अकेडमी के टॉप एजुकेटर के साथ और मेरे साथ और के के टॉप एजुकेटर साथ जुड़ के आप अपना जो सिलेक्शन है वो इंश्योर करेंगे आप सेलेक्ट होंगे आप यूपीएससी में सिलेक्शन का सपना जो है वो साकार करेंगे सो दोस्तों याद रहे कोड क्या यूज करना है सुमिट टेन बिकॉज सुमिट टेन खास है बाकी आप समझदार हो और एक रिक्वेस्ट और है डू लाइक द वीडियो शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने नहीं किया तो जितने भी बच्चे हैं दोस्तों फटाफट चैनल लाइक कर दो शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक मैं चाहता हूं दोस्तों कि हम 700 लाइक जो है पार कर लें सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज प्लीज लाइक द वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए मिलते हैं दोस्तों कल सुबह मॉर्निंग में अपने करंट अफेयर के शो में टिल देन टेक केयर बाय बाय